इस मस्जिद की एक ये भी खासियत है कि इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर 70 अंबिया अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ी और कुछ अंबिया अलैहिस्सलाम इसमें मदफून भी हैं। रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस जगह मौजूद है इसका नाम, इस मस्जिद का नाम है मस्जिद खैफ। ये मस्जिद खैफ मीना में वाकया है और बहुत खूबसूरत मस्जिद है, ये आप देख रहे हैं। और ये सामने जो आप देख रहे हैं रोड जा रही है, सामने सारे मीना के खेमे हैं। और अगर आप मीना के खेमों से जमरात की तरफ आओ, ये वो आगे जो बड़ी सी बिल्डिंग आप देख रहे हैं वो जमरात की बिल्डिंग है जिसमें रमीज पर रमी की जाती है। अगर आप उस तरफ आओ तो इस साहब दरमियान मस्जिद खैफ आती है। इस मस्जिद की एक ये भी खासियत है कि इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर 70 अंबिया अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ी और कुछ अंबिया अलैहिस्सलाम इसमें मदफून भी हैं। सो इसके भी इसकी असलियत वाज़े होती है। और ये ज़्यादातर ये जो मीना के 5-6 दिन होते हैं, सिर्फ इन दिनों में ये मस्जिद खोली जाती है, बाकी सारा साल ये मस्जिद बंद होती है। तो यानी कि साल के 6 दिनों में सिर्फ इस मस्जिद में नमाज अदा की जाती है। और ये काफ़ी बड़ी मस्जिद है, यहाँ पे इतनी मस्जिद है कि यहाँ पे जितने भी हाजी हैं, चाहे वो 10 लाख हो, 30 40 लाख हो, वो सारे इसके मस्जिद के अंदर आ सकते हैं, इतनी बड़ी मस्जिद है। और इसके बाद मैं आपको इस मस्जिद का अंदर से भी व्यू कराऊँगा सारा। ये है मस्जिद खैफ, इसका जहाँ पे इमाम साहब नमाज पढ़ाते हैं। बहुत बड़ी मस्जिद है। ये सामने आप देख रहे हैं जहाँ पे पुलिस वाला खड़ा है, जहाँ पे मौजा निज़ाम देता है। ये भी असर की नमाज हुई है, कसर नमाज। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।